सो फ्रेंड्स, अगर आप डिजिटल सेवा पोर्टल यूजर हैं तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है। सीएससी में फिर से एक स्टेट के लिए ई डिस्ट्रिक्ट की सर्विस लाइव हो चुकी है, तो आज का ये वीडियो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। साथ ही साथ मैं आपको ऑल ओवर इंडिया या ऑल स्टेट के लिए ई डिस्ट्रिक्ट कैसे लेना है, कैसे यूज करना है, उसकी भी जानकारी देने वाला हूँ। मैं हूँ अमर, आप देख रहे हैं टेक गुप्ता यूट्यूब चैनल। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं हो सके तो यहाँ पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस छोटे से नन्हे से बेल आइकन नोटिफिकेशन को अलाउ करके ऑल जरूर कर देना, ताकि मैं जो भी वीडियो दूं ना उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करे और आप हमारे वीडियोस को रोजाना देख पाओ। वैसे दोस्तों, अगर हम बात करें तो सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल को सबसे पहले आपको लॉगिन करना होता है और लॉगिन करने के बाद आपको डैशबोर्ड पे आना होता है। डैशबोर्ड पे जैसे ही आप आते हैं, आपको न्यूली अराइव्ड सर्विसेज में अरुणाचल प्रदेश ई डिस्ट्रिक्ट की देखने को मिल जाती है। तो अरुणाचल प्रदेश की व्यू लेनी है तो सिंपली आपको अरुणाचल प्रदेश ई डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक करके व्यू प्रोडक्ट देख लेना है, या अगर आप दूसरे स्टेट के हैं ना तो यहाँ पे आप सर्च कर लीजिए EDISTRICT, ई डिस्ट्रिक्ट आप सर्च कर लीजिए। अगर आपका ई डिस्ट्रिक्ट के नाम से दिख जाता है तो बहुत अच्छा है, अगर आपके स्टेट में ई डिस्ट्रिक्ट नाम से नहीं दिखता है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको हमारे चैनल पे आना है टेक गुप्ता पे, और यहाँ पे जो सर्च बॉक्स है इसमें आपको सिंपली EDISTRICT ई डिस्ट्रिक्ट आपको सर्च कर लेना है। जैसे ही आप ई डिस्ट्रिक्ट सर्च करोगे तो यहाँ पे हमने जो है 700 से अधिक सर्विसेज के बारे में 4 महीने पहले वीडियो दिया था, यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे आपको अप्रॉक्स 19 या 16 राज्यों की डिटेल मिल जाएगी, अगर कुछ छूट जाता है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ई डिस्ट्रिक्ट के अनुसार जो है हमने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी बना रखे हैं जिसको आप चेकआउट कर सकते हैं। इसमें से कोई ना कोई पोर्टल आपके स्टेट में जरूर वर्क करता होगा। यहाँ पे सबसे अच्छा ये वीडियो रहेगा, इसमें लगभग हर स्टेट का कवर किया गया है और ऊपर वाले वीडियो में 16 स्टेट का कवर किया गया है, तो आप इसको देख सकते हैं। चलो ये अगली सर्विसेज की बात करते हैं जो सीएससी पे लाइव हुआ है। होम में आते हैं, डैशबोर्ड में ई डिस्ट्रिक्ट पे आते हैं और व्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, डिलीवरी ऑफ सर्विसेज यहां पे कुछ लिखा गया है, इसको आप देख सकते हैं। डिलीवरी ऑफ सर्विसेज थ्रू आउट सर्विस प्लस, ये जो है सर्विस प्लस के द्वारा दी जाती है। सर्विस प्लस की ये सर्विसेज है अरुणाचल ई सर्विस arunachal.gov.in के तहत आता है। अगर सर्विसेज की बात करें तो यहाँ पे ये सारे सर्विसेज आपको मिल जाते हैं जिसको आप देख सकते हैं। सर्टिफिकेट रिलेटेड सर्विस है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, सर्विस प्लस प्रेजेंटेशन है, GOPA प्रेजेंटेशन है, यूजर मैनुअल्स है, ये सभी आप यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे कि एप्लीकेशन के स्टेटस को आप चेक कर सकते हैं। सिटीजन्स कॉर्नर में अगर आए तो सिटीजन्स कॉर्नर में यहाँ पे बहुत सारे काम किए जा सकते। सो यहाँ पे जो है आप ट्रिबल सर्टिफिकेट, परमानेंटली रेसिडेंटल सर्टिफिकेट, टेम्प्रोरली यानी जो है अस्थाई, टेम्प्रोरी जो कुछ समय के लिए होता है, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बना सकते हैं, इनकम सर्टिफिकेट बना सकते हैं, डिपार्टमेंट सर्टिफिकेट बना सकते हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना सकते हैं, तो ये सभी काम आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर बात करें हाउ टू अप्लाई पे, जब आप क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे आपको इसकी सर्विसेज के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी। ई सर्विसेज arunachal.gov.in पे आपको जाना है, यहाँ पे ये URL दिया गया है। चलो हम इस URL को ब्राउज करते हैं, सिंपली हम इसको जो है सर्च करते हैं। यहाँ पे जो है ई सर्विस अरुणाचल प्रदेश करके है, यहाँ पे आपको आना है, लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ईमेल आईडी ये डालना है, या फिर अगर आपके पास नहीं है डोंट हैव एन अकाउंट रजिस्टर्ड हेयर पे आपको क्लिक करना है। रजिस्टर्ड हेयर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये जो सेम है ना सर्विस प्लस की तरह वर्क करता है। यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है, ईमेल आईडी डालनी है, मोबाइल नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है, स्टेट आपको डालना है। ऑल ओवर स्टेट के लिए यहाँ से किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे देखिए अरुणाचल के लिए है, तो ई सर्विस जो है ना ये अरुणाचल के लिए दिया गया है। लेकिन आपको क्या करना है, अगर आप दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं तो कुछ नहीं करना है, आपको ई डिस्ट्रिक्ट DISTRICT ई डिस्ट्रिक्ट बिहार आपको सर्च मार लेना है, अगर आप बिहार से हैं तो। अगर आप दूसरे जगह से हैं तो दूसरा जगह आपको सर्च मारना है। तो यहाँ पे सर्विस ऑनलाइन सर्विस प्लस का ये जो वेबसाइट है, या सर्विसेज ऑनलाइन के तहत आप जो है ई डिस्ट्रिक्ट के तहत ये सर्विस प्लस का है, देख सकते हैं। यहाँ पे सिंपली लॉगिन पे क्लिक करना है, सर्विस प्लस की लॉगिन आईडी डालनी है। अगर नहीं भी हमारे पास सर्विस प्लस की है तो सर्विसेज ऑनलाइन यहाँ पे जो रजिस्टर्ड पे हम क्लिक करेंगे तो सेम इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है सर्विसेज ऑनलाइन बिहार .gov.in है,
यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे है services.arunachal.gov.in। तो सब कुछ जो है सर्विस प्लस के अंतर्गत से उठाई गई है और राज्य सरकार के द्वारा बना दी गई है। तो कुछ बहुत बड़ा फंडा नहीं है यहाँ पे सर्विस प्लस का जो पोर्टल है। चलो अब हम इसकी बात करते हैं, SERVICE सर्विस प्लस। सर्विस प्लस आपको सर्च मारना है, serviceonline.gov.in की वेबसाइट पे आना है। अब इसी के तहत जो है ना पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट ने, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश वाले गवर्नमेंट ने अरुणाचल प्रदेश का लिंक लगा दिया, बिहार वाले गवर्नमेंट ने बिहार का लिंक लगा दिया, लेकिन काम कहाँ से हो रहा है? काम हो रहा है सर्विस प्लस से। अब सर्विस प्लस के पोर्टल पे अगर हम आए तो यहाँ पे बहुत सारी सर्विसेज और बहुत सारे स्टेट को कवर की गई है। यहाँ पे जो है 24 स्टेट अप्रूव्ड हैं। अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका, केरल, मध्य प्रदेश वगैरह वगैरह वगैरह, फलाना ढिमकाना, तो यहाँ पे सब कुछ है लगभग। ठीक है, तो यहाँ पे 24 स्टेट कवर्ड है, 100 यहाँ पे जो सर्विसेज लॉन्च है, 1024 सर्विसेज एप्लीकेशन जो है, इतने एप्लीकेशन रिसीव्ड हो चुके हैं। बात की जाए यहाँ पे लॉगिन की, तो लॉगिन क्या करना है, लॉगिन पे क्लिक करना है। अगर आपके पास इसका आईडी नहीं है, डोंट हैव एन अकाउंट पे आपको क्लिक करना है। और सर्विस प्लस से कैसे काम करना है ना, उसके रिगार्डिंग मैंने यहाँ पे वीडियो दे रखा है। इस वीडियो को या फिर इस वीडियो को देख लेना, इसमें मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दे रखी है। 231 सर्विसेज पहले थी लगभग एक साल पहले, लेकिन अभी जो है यहाँ पे 1000 से अधिक सर्विस दी गई है। तो आप हमारे इस 4 मंथ ओल्ड वीडियो को देख लेना, इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो सर्विस प्लस के तहत आप सभी सर्विसेज यूज कर सकते हैं। और अब इम्पोर्टेंट क्या था, इम्पोर्टेंट था कि CSC में जो है इसका अरुणाचल प्रदेश ई डिस्ट्रिक्ट लाइव कर दिया गया है। अगर CSC में लाइव नहीं दिया है ना, कुछ नहीं करना है, CSC ने बस लिंक लगा दिया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं ना तो डायरेक्ट CSC ने लिंक लगा दिया। यहाँ पे अगर लॉगिन पे आए ना तो लॉगिन में डिजिटल सेवा कनेक्ट का ऑप्शन आपको नहीं देखने को मिलता है, यानी जनरल पीपुल लॉगिन यहाँ पे किया जा रहा है। ठीक है, और जो एक्स्ट्रा एक्सेस है वो आपको दिए जाएंगे, वो बात की बात है, लेकिन अभी यहाँ पे डिजिटल सेवा लॉगिन स्टार्ट नहीं किया गया है। इसी प्रकार से आप जो है सर्विस प्लस में अपनी लॉगिन करके इस सर्विसेज को यूज कर सकते हैं। बहुत सारी सर्विसेज यहाँ पे रहती है, अगर बात की जाए तो बहुत सारे सर्विसेज यहाँ पे देख सकते हैं। कंप्लेंट्स रिलेटेड सर्विसेज यहाँ पे हैं, एज सर्टिफिकेट, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर कर्नाटक, एप्लीकेशन फॉर होलसेल लाइसेंस एंड फर्टिलाइजर्स फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, तो ये सभी सर्विसेज आपको यहाँ पे मिल जाती है। और बहुत सारी सर्विसेज जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह, इनकम सर्टिफिकेट, ये सब आप बना सकते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, डेथ, इनकम, रेसिडेंटल, ये सब आप इजीली बना सकते हैं यहाँ से। तो बहुत सारी सर्विसेज आपको यहाँ पे मिल जाती है सर्विस प्लस के एक ही पोर्टल पे। अगर बात करें लैंग्वेज, आप जो है यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश या जो भी ये लैंग्वेज है उसको डाल सकते हैं, और अपने हिसाब से आप स्टेट को पर्टिकुलर सेलेक्ट करके भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पर्टिकुलर बिहार डाला, तो यहाँ पे बिहार के लिए जो जो सुविधाएं हैं सभी यहाँ पे इसी वेबसाइट पे रिडायरेक्ट कर दी गई। और डायरेक्ट मैंने इसको एक्सेस किया था तो हम डायरेक्ट इसी वेबसाइट पे आए थे। तो आप देख सकते हैं कि सारा प्रोसेस सेम ही रहता है, उसमें कोई भी अंतर नहीं रहता है। ठीक है, अगर बात की जाए तो सारा प्रोसेस दोनों का सेम ही रहता है, दोनों जगह से सेम ही काम किए जाते हैं। बस अंतर यही रहता है कि लिंक जो है पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लगा दिया जाता है सर्विस प्लस का ही, और सर्विस प्लस के तहत ही सारे काम किए जाते हैं। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पे हम एक और बार आपको उदाहरण देकर समझाएंगे। चलो बहुत ही इजी वे में हम आपको समझाते हैं। सॉरी, यहाँ पे हम जो है सर्विस प्लस ब्राउज करते हैं, SER सर्विस प्लस, सर्विस प्लस ब्राउज करते हैं, यहाँ पे आते हैं सर्विस प्लस की ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे जो स्टेट है हम लेते हैं इसको अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि CSC में अरुणाचल प्रदेश की आई तो अरुणाचल प्रदेश करते ही हम इस वेबसाइट पे आ जाते हैं। तो डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, सर्विस प्लस पे आना है, आपको अपना स्टेट डालना है। स्टेट डालोगे बहुत ही ईजी वे में आप पहुंच जाओगे आपके स्टेट के ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे, तो वहां से आप काम स्टार्ट कर पाओगे। ठीक है, तो बहुत ही छोटा वीडियो था और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। चैनल पे अगर आप नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे ही वीडियोस रोजाना देते रहते हैं जिससे आपको काफी कुछ सीखने और जानने को मिलता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप सभी का दिन शुभ हो, जय हिंद, वंदे मातरम।